आज इस लैंडस्लाइड्स में, जबकि हमने घर खाली करवा दिए थे, हम गलती कर जाते हैं। मुझे लगता है कि दो की मृत्यु यहाँ निश्चित है, एक का शव मिल चुका है, एक का टांग हमें नजर आ रही है, शव को निकाल रहे हैं। और तकरीबन पिछले कल 51 मौतें हुई थी, आज 9 मौतों की पुष्टि और हुई है। कितना टाइम यहाँ पे लगेगा अगर स्लॉटर हाउस की बात करें, क्योंकि 6 से 7 घर गिरे हैं, कितना टाइम यहाँ पे लगेगा आपका रेस्क्यू ऑपरेशन चलने में? ये टाइम, ये बाउंड तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ये बहुत डेंजर कंडीशन है। इसमें इतना जल्दी से जल्दबाजी करने से क्या, जो रेस्क्यूअर उनको खतरा हो सकता है, या जो अंदर फंसे लोग उनको और ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो जेसीबी की मदद से जो मलबे को हटाया जा रहा है, रेस्क्यूअर मदद से जो बाकी डेब्रिस को हटाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया जाए कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन है। देख सकते हैं लोकल पुलिस लगी हुई है, जेसीबी भी मंगाई गई है, और रात लगातार इस पे एक डेड बॉडी मिलने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। और सबसे बड़ी बात जो रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रॉब्लम आती है, वो बारिश के आने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन की जो गति है वो धीमी हो जाती है। और इस टाइम पे बारिश ना होने के कारण लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और उम्मीद है, जैसे कि एनडीआरएफ के जवान यही बात कर रहे हैं कि जैसे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बाय आफ्टरनून देयर विल बी मोर क्लैरिटी दैट हाउ मेनी people have been trapped। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now।